हेलो बडीज, हेलो बेबीज, बाबूस, जानूस, सोनूस, गुड्डूस। एवरीबडी हेलो, एवरीबडी हेलो, एवरीबडी हेलो। चलिए शुरू करते हैं बेटा जी। ओहो, मिस कॉल पे मिस कॉल आ रहे थे। अरे कुछ थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लेक्चर थोड़ा लेट चालू हुआ है। आ जाइए, यहाँ आ जाइए। गुड इवनिंग एवरीबडी, गुड इवनिंग एवरीबडी, गुड इवनिंग एवरीबडी। हाँ किशोर, कितने कहाँ कहाँ लिंक जाएगी दुनिया में? अरे वाह वाह वाह, आई लव यू टू, बाय। कभी का वेट कर रहे थे। अरे एक स्ट्रीम चालू हुई है ना, एक स्ट्रीम चालू हुई, बंद हो गई। साला बंद हो गई, चालू हो गई, बताओ। फिर सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ा। एक्चुअली वो एक साथ दो लाइव चलने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है ना। मोदी सर का भी लाइव चल रहा है और मेरा भी लाइव चल रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। बट एनीवेज, आ जाइए दोस्तों, क्षमा प्रार्थी हैं हम आपके। क्या बोलते हैं, क्षमा प्रार्थी ही बोलते हैं ना, क्षमा प्रार्थी हैं हम आपके कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, हम थोड़े से लेट हो गए आपको। बट एनीवेज दोस्त, आइए सर। सारे स्टूडेंट रॉन्ग लिंक में आपका इंतजार कर रहे हैं, बुलाओ उनको, यहाँ बुलाओ बेटा। चल छैया छैया झैया झैया, चल झैया छैया छैया झैया। चल इश्क गिरा नैया, मुस्कान की चमकान, गुस्सा गुस्सा नहीं करते, मुस्कान की चमकान। चलो शुरू करें क्या बेटा, बोलो जल्दी से। शुरू करें क्या बेटा, बोलो जल्दी से। बेटा शुरू करें क्या, ईबीसी लाज नहीं है बेटा, ईबीसी लाज नहीं है। टेलीग्राम पे लिंक डाल दूं क्या? चलो लिंक डाल देता हूं, एक मिनट रुको। टेलीग्राम पे चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। अब नहीं आएगा। चल इश्क किया, ओके बडीज, बाबूज, बेबी, जानू, सोनास, गुड्डूज, लेट्स स्टार्ट। चलिए आज हमें स्टार्ट करना जनरल मीटिंग, और माशाल्लाह इसको खत्म भी करना है अपने को। ये जो गुस्सा कर रहे हो ना तुम लोग, आई डोंट लाइक दिस। प्यार मोहब्बत सिखाता हूं मैं आपको, गुस्सा नहीं सिखाया मैंने अभी तक आपको। सो प्लीज एक बार सभी लोग दिल 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 भेज दीजिएगा, दिल 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 भेज दीजिएगा, सो दैट वी कैन स्टार्ट।
चल छैया 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 चल छैया। ज्यादा अगर गुस्सा किया ना, गाना सुना दूंगा पूरा कान में से खून आ जाएगा, बता दे रहे। वॉइस फुल है बेटा, आवाज एकदम फुल है बेटा, इससे ज्यादा आवाज हो ही नहीं सकती बेटा, बता रहा हूं मैं, इससे ज्यादा आवाज हो ही नहीं सकती बेटा। ओके, सो लेट स्टार्ट विद दी जनरल मीटिंग। कॉन्सेंट्रेट करना सभी लोग, यहां ध्यान देना बेटा, सभी लोग पूरा फोकस बनाए रखना। अगर हम बात करें जनरल मीटिंग की दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट करना। आज हमें करना है सेक्शन 96 से लेके 121 तक। कहां से कहां पहुंचना है? सेक्शन 96 से लेके 121 तक हमको पहुंचना है दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट करना। ये लेक्चर पब्लिक नहीं रहेगा तो एंड तक देखना बहुत जरूरी है। ये लेक्चर पब्लिक नहीं रहेगा, प्राइवेट कर दिया जाएगा आफ्टर दी लेक्चर, है ना? तो सभी लोग पूरा एकदम अच्छे से देखना, स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी शिद्दत के साथ बनाए रखना। कमेंट कम करना, ध्यान ज्यादा देना। कमेंट थोड़ा कम करना और ध्यान थोड़ा ज्यादा देना, ठीक है? सो मित्रों चालू करते हैं। यस, आज के कपड़े भी मेरे किराए के हैं बेटा, बिल्कुल किराए के कपड़े हैं, इसीलिए तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है मेरी, ठीक है ना? मेरे खुद के कपड़े हैं ही नहीं, वो तो किराए के ही हैं बेटा। चलो सुनते हुए चलना। सबसे पहले अगर हम बात करें मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर की, तो गाइस यार बात समझना, शेयर होल्डर की मीटिंग जो होती है, अब मीटिंग तीन पार्ट की मैं डिवाइड किया मैंने, मैंने मीटिंग कितने पार्ट में हमने डिवाइड किया दोस्तों? थ्री पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया दोस्तों? थ्री पार्ट में मैंने मीटिंग डिवाइड किया है, ठीक है ना? कितने पार्ट में? थ्री पार्ट में मैंने मीटिंग डिवाइड किया है। सर कौन से तीन पार्ट है बताइए? सो सबसे पहले मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर इज नोन एज व्हाट? कम ऑन एवरीबॉडी, शेयर होल्डर की मीटिंग इज नोन एज जनरल मीटिंग। क्या बोलते हैं उसको? जनरल मीटिंग। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग है, दैट मीटिंग इज नोन एज बोर्ड मीटिंग। और जो स्पेशल क्लास की मीटिंग है, स्पेशल क्लास की मीटिंग है, उसको हम बोलते हैं क्लास मीटिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं यारा? क्लास मीटिंग, ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्लास मीटिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? क्लास मीटिंग। सर आई लव यू, प्लीज मैरी मी। दिशा पटनी, बेटा तू गलत जगह आ गई है, ये शुभम अब्बड़ है, शुभम मोदी नहीं है बेटा, ठीक है ना? दिशा पटनी जी तो वहां जाइए बेटा, वरना आप हमारे भाभी जी हो, हम आप हमारे भाभी जी हो, भाभी समान हो, तो ऐसी बातें ना करें हमारे साथ। चलिए, सो जनरल मीटिंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट करना सभी लोग, प्लीज फोकस करना, प्लीज फोकस करना। अगर हम बात करें जनरल मीटिंग की गाइस, तो जनरल मीटिंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एक होता है एनुअल जनरल मीटिंग और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक होता है बेटा एनुअल जनरल मीटिंग और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक होता है एनुअल जनरल मीटिंग और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। देखो यार, जब भी हम बात करेंगे, एक मीटिंग ऐसी होती है ना जो कंपल्सरी होती है, जो आपको साल में एक बार तो लेनी ही लेनी है, जो कंपल्सरी है, जो साल में एक बार तो आपको लेनी ही लेनी है, उसको हम बोलते हैं एजीएम। अब देखो यार, एक साल में एक मीटिंग तो होना कंपलसरी है, और उस मीटिंग को हम क्या कहेंगे? एजीएम। साल में जो एक मीटिंग होगी उसको हम क्या कहेंगे यार? एजीएम कहेंगे। लेकिन अब बात समझना अच्छे से, कॉन्सेंट्रेट करना। अगर कोई इमरजेंसी है, एजीएम हो चुकी है, उसी साल में अगर मुझे दूसरी मीटिंग भी लेनी है, शेयर होल्डर की मीटिंग लेनी है दूसरी, उसी साल में सेकेंड मीटिंग, या उसी साल की थर्ड मीटिंग, या उसी साल की फोर्थ मीटिंग, ये सेकेंड थर्ड और फोर्थ उस साल की जो मीटिंग है उसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री मीटिंग। ये जब कंपल्सरी नहीं है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये कैसा है बेटा? वॉलेंट्री है। ये कैसा है बेटा? वॉलेंट्री है। ये कैसा है दोस्तों? वॉलेंट्री है। देखो
एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक बार होगा ही होगा, उस साल में अगर एजीएम के अलावा कोई मीटिंग हो रही है ना शेयर होल्डर की, दैट मीटिंग इज नोन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, दैट इज व्हाट एजीएम। सर एजीएम साल में कितनी बार होगी? वंस इन अ कैलेंडर ईयर। वंस इन अ व्हाट? कैलेंडर ईयर, है ना, एक कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग तो होगी ही होगी, नो मैटर व्हाट। वंस इन अ व्हाट बेटा आपका कैलेंडर ईयर, वंस इन अ व्हाट बेटा आपका कैलेंडर ईयर, हाँ है ना। अगर मैं ईजीएम की बात करूं दोस्तों, ईजीएम की अगर मैं बात करूं तो इट इज वॉलेंट्री, तो नहीं भी हो सकती, मतलब जीरो भी हो सकता है और इन्फिनिटी भी हो सकती है। जीरो से लेके कहां तक जा सकते हैं हम लोग? इन्फिनिटी। अरे हाँ या ना, अरे यस और नो एवरीबॉडी, यस और नो। अरे ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, बताइए। सो एजीएम वंस इन अ कैलेंडर ईयर कंपलसरी है। जो नहीं बोलेगा उसकी शादी नहीं होगी, शादी होगी तो सेम जेंडर से होगी, इसीलिए सभी ने आंसर देना कंपलसरी है, अनिवार्य है, करेक्ट है। अगर शादी सेम जेंडर से होगी तो बच्चे नहीं होंगे, अगर बच्चे हुए भी तो लल्ले लूले लंगड़े अंधे बहरे होंगे, करेक्ट है। चलो बहुत बढ़िया, ओके। सो वंस इन अ कैलेंडर ईयर, ये क्या है? जीरो से लेके कहां तक चलेंगे हम लोग? इन्फिनिटी। जीरो से लेके हम लोग कहां तक चलेंगे बेटा? इन्फिनिटी तक। जीरो से लेके हम लोग कहां तक चलेंगे दोस्तों? इन्फिनिटी तक चलेंगे, करेक्ट है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यार देखो, जनरल मीटिंग की अगर हम बात करें, उसमें भी एजीएम की अगर हम बात करें, तो उसमें ऑर्डिनरी बिजनेस भी ले सकते हो और स्पेशल बिजनेस भी कर सकते हो। कौन से बिजनेस कर सकते हो? ऑर्डिनरी एज वेल एज स्पेशल बिजनेस। लेकिन जब एजीएम की बात होगी ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगी? स्पेशल बिजनेस के लिए होगी। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगी दोस्तों? स्पेशल बिजनेस की होगी। प्रीति सिंह ने बोला सर आज आप थके हो। हाँ यार एक्चुअल में आई एम फीलिंग थोड़ा सा टायर्ड, पता नहीं क्यों, बट ठीक है। बट आज अब आपको देख के मेरे में एनर्जी आ रही है, धीरे धीरे एनर्जी आ रही है बाहर, है ना। कॉफी पीने के बाद भी एनर्जी आई, प्रसन्ना ने गरम गरम कॉफी बना के दिए, है ना। चलिए, सो एजीएम और ईजीएम की अगर हम बात करें, एकदम थकान क्या होती है भैया, है थकान क्या होती है? अभी तो बहुत लंबा चलना है अपने को, क्या थकान क्या थकान। एजीएम और ईजीएम, ठीक है, एजीएम और ईजीएम कॉन्सेंट्रेट करना। मैंने बोला ना मेरे कपड़ों की तारीफ ना करो भैया, मैं किराए के कपड़े हैं, उतार दो तुम कहो तो, ठीक है ना, किराए के कपड़े हैं बेटा, उतार नहीं सकता क्योंकि समझो आप, ओके। सो एजीएम और ईजीएम की अगर हम बात करें, एनुअल जनरल मीटिंग कंपलसरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग वॉलेंट्री है। एजीएम वंस इन अ कैलेंडर ईयर, एक कैलेंडर ईयर में एक बार होगा ही होगा। ईजीएम जीरो से लेके इन्फिनिटी तक हो जाएगी। अब एजीएम में कौन से बिजनेस होते हैं? ऑर्डिनरी एज वेल एज स्पेशल बिजनेस होते हैं, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे बेटा? स्पेशल। कौन से कौन से? सिर्फ स्पेशल बिजनेस होंगे, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल बिजनेस होंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन से बिजनेस होंगे? स्पेशल। पहले तो ये बताइए सर, ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस में डिफरेंस क्या है? तो बेटा चार काम जो होते हैं ना, ये फोर जो काम है ना, ये स्पेशल, ये ऑर्डिनरी बिजनेस है। ये कौन से आपके? ऑर्डिनरी बिजनेस है, हाँ है ना, करेक्ट है। ए फॉर व्हाट बेटा? अडॉप्शन ऑफ अकाउंट, अडॉप्शन ऑफ अकाउंट, ये ऑर्डिनरी बिजनेस है। डी फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डी फॉर व्हाट बेटा आपका? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये भी ऑर्डिनरी बिजनेस है। डी फॉर व्हाट? अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, अगर आप रिटायरिंग डायरेक्टर को वापस से अपॉइंट कर रहे हो, अपॉइंटमेंट ऑफ व्हाट? रिटायरिंग डायरेक्टर, रिटायरिंग डायरेक्टर को अगर आप वापस से अपॉइंट कर रहे हो ना, तो ये भी ऑर्डिनरी बिजनेस है। एंड ए फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ व्हाट बेटा आपका? ऑडिटर। तो ये कोई भी, ये चार काम जो है ना, ये आपके ऑर्डिनरी बिजनेस में आते हैं। ये जो चार काम है ना, ये आपके कौन से बिजनेस में आते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस में आते हैं। ये चार जो काम आते हैं ना, ये कौन से बिजनेस में आते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस में आते हैं। अडॉप्शन ऑफ अकाउंट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ व्हाट? रिटायरिंग डायरेक्टर। एंड ए फॉर व्हाट? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ व्हाट बेटा आपका? ऑडिटर। इसके अलावा कोई भी काम अगर है ना, इसके अलावा अगर कोई भी काम है ना, सबके सब स्पेशल बिजनेस है। सबके सब कौन से बिजनेस है? स्पेशल। इन चार काम के अलावा जो भी काम है, उन सबको हम क्या कहते हैं? स्पेशल बिजनेस। तो देखिए, एनुअल जनरल मीटिंग में कौन से बिजनेस हो रहे हैं? एनुअल जनरल मीटिंग में कौन से बिजनेस हो रही है, बताइए जल्दी से। तो एनुअल जनरल मीटिंग में आपका ऑर्डिनरी एज वेल एज स्पेशल बिजनेस दोनों होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में क्या होगा? तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा? स्पेशल बिजनेस, बाकी कोई भी बिजनेस नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ कौन से बिजनेस होंगे बेटा? स्पेशल बिजनेस।
सेजल जी मैं कल अपॉइंट कल कल रिकॉर्ड करूंगा उसको, एक जो लेक्चर मिसिंग है मैं कल रिकॉर्ड करूंगा सेजल बेटा, कल रिकॉर्ड करूंगा बेटा, ठीक है। ओके चलो अभी हम बात करते हैं एजीएम की। एजीएम में भी मैं फर्स्ट एजीएम की बात कर रहा हूं, सेक्शन एजीएम का कौन सा है, सेक्शन 96। एजीएम का सेक्शन कौन सा है बेटा, 96। तो अगर हम एजीएम की बात करें दोस्तों, तो फर्स्ट एजीएम, पहली एजीएम, एक मिनट मुझे सेल चार्जिंग को लगाने दो, माइक अगर बंद हो गया तो जरूरी है भैया, एक मिनट रुकना, किसी, हाँ जी, फर्स्ट एजीएम एंड सब्सिक्वेंट एजीएम, फर्स्ट एजीएम एंड व्हाट बेटा आपका, सब्सिक्वेंट एजीएम। अगर मैं बात करूं फर्स्ट एजीएम की, कंपनी के फर्स्ट एजीएम की मैं बात करूं, सर कितने दिन के अंदर होना चाहिए, फर्स्ट एजीएम कितने दिन के अंदर होनी चाहिए, करेक्ट है। सो फर्स्ट एजीएम होनी चाहिए विद इन 9 months फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, सॉरी विद इन 9 months फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 9 months फ्रॉम व्हाट बेटा आपका, क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। देखना अब अगर हम बात करें एजीएम की, कॉन्सेंट्रेट करना, दो पार्ट में डिवाइड किया है, सेक्शन है 96, फर्स्ट एजीएम एंड व्हाट, सब्सिक्वेंट एजीएम। फर्स्ट एजीएम मतलब इनकॉर्पोरेशन के बाद की पहले। सर एसबीसी का चैप्टर बाकी बेटा अपलोडेड है, शिवानी बेटा अपलोड करवा दिया मैंने, एसबीसी का चैप्टर अपलोड करवा दिया, प्लीज चेक करिए, काफी दिन हो गए अपलोड करके भी मुझे लग रहा है। एजीएम की अगर हम बात करें तो एक है आपका फर्स्ट एजीएम एंड दूसरा आपका सब्सिक्वेंट एजीएम। फर्स्ट एजीएम का मतलब क्या होता है, फर्स्ट एजीएम का मतलब होता है कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद की जो पहली मीटिंग है, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद की जो पहली मीटिंग है उसको हम बोलेंगे फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। अच्छा, जब नेक्स्ट सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में जो मीटिंग होगी उसको हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट एजीएम। एक मिनट मुझे बताइए, क्या सब्सिक्वेंट एजीएम को, क्या सब्सिक्वेंट एजीएम को हम ईजीएम बोल सकते हैं, क्या सब्सिक्वेंट एजीएम को क्या हम ईजीएम बोल सकते हैं, बताइए जल्दी से, सब्सिक्वेंट एजीएम को क्या हम ईजीएम बोल सकते हैं, टेल मी गाइस, आंसर इज नो। अरे भाई एजीएम और ईजीएम में तो डिफरेंस ही है ना, तो सब ये तो एजीएम है, एजीएम को ईजीएम कैसे बोल सकते हो, सब्सिक्वेंट एजीएम को हम ईजीएम नहीं बोल सकते बेटा, क्यों। अरे सब्सिक्वेंट एजीएम मतलब क्या, जैसे कंपनी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई, मैंने 2016 में फर्स्ट मीटिंग ली तो ये फर्स्ट एजीएम हो गया, क्या 2017 में भी मुझे एजीएम लेना पड़ेगा, हाँ, 2018 में भी मैंने एजीएम लेना पड़ेगा, हाँ, 2019 में भी एजीएम लेना पड़ेगा, हाँ, तो ये सब कौन से हैं, सब्सिक्वेंट एजीएम है, सब्सिक्वेंट एजीएम है, हर साल एक मीटिंग होनी चाहिए, ये सब्सिक्वेंट एजीएम है। लेकिन अगर 2017 में मैंने एक एजीएम लेने के बाद एक और मीटिंग ली, उस मीटिंग को हम क्या बोलूंगा, ईजीएम। उस मीटिंग को हम क्या बोलेंगे बेटा, ईजीएम। उस मीटिंग को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ईजीएम, करेक्ट है। तो कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 96 कौन सा है, सेक्शन बताइए जल्दी से, 96 किसकी बात कर रहा है, एनुअल जनरल मीटिंग की। तो सबसे पहले कौन सा, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, नेक्स्ट वन कौन सा, सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग। अगर मैं बात करूं फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग की, तो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए विद इन 9 months, 9 months फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, 9 months फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ व्हाट, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, 9 months फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ व्हाट, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, जैसे ही आपका क्या क्लोज हुआ, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, उसके कितने दिन के अंदर, 9 months के अंदर अंदर आपको पहली क्या लेनी पड़ेगी, एनुअल जनरल मीटिंग लेनी पड़ेगी। से फॉर एग्जाम्पल कंपनी 25th दिसंबर, आशीष सर के बर्थडे के दिन 25th दिसंबर 2020 को हमने कंपनी बनाई, कब कंपनी बनाई हमने, 25 दिसंबर 2020 को कंपनी बनाई, बताइए इसका ईयर एंड कब होगा, फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा, तो 31st मार्च 2021, 2 कैसे होगा, 2021, हाँ या ना, दिसंबर है ना, 25th दिसंबर, तो कब ईयर एंड होगा, 31st मार्च 2021, इससे कितने महीने और ऐड कर दो, 9 months ऐड कर दो, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 9 months कैलकुलेट करना है, तो यहां पे आएगा 31st दिसंबर 2021, ये लास्ट डेट है आपका फर्स्ट एजीएम का, ये आपका लास्ट डेट है फर्स्ट एजीएम का, ये आपका लास्ट डेट है फर्स्ट एजीएम का। ऐसे किसी ने 30th सितंबर आंसर दिया है, बेटा 30th सितंबर कैसे आंसर होगा, 30th सितंबर कैसे आंसर होगा, नहीं होगा बेटा, 30th सितंबर आंसर नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करेक्ट है क्या, हो यस और नो। एक और एग्जांपल, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 1 जनवरी 2021 को हुआ,
1 जैन 2021 को हुआ। मुझे बताइए ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 ईयर एंड होगा। और उससे कितना महीना कैलकुलेट करना है? 9 मंथ्स। तो 31 दिसंबर 2021, ये क्या लास्ट डेट आएगी क्या? यस और नो, क्या ये लास्ट डेट आएगी क्या? क्या ये लास्ट डेट आएगी क्या? ये लास्ट डेट आएगी क्या? जिन्होंने भी आंसर यस बोला है, जिन्होंने भी आंसर यस बोला है, सब के सब गलत है। मैंने जानबूझ के यहां आपसे गलती करवाई है। जो मेरे स्टूडेंट है वो तो गलत नहीं, वो तो परफेक्टली जाएंगे। 22 बोल दिया है, देखो जो मेरे स्टूडेंट है वो तो परफेक्टली बताएंगे। जिन्होंने गलत बोला है वो मेरे स्टूडेंट नहीं है, मैं उनको डिसऑन करता हूँ आज, है ना, डिसऑन करता हूँ, अपनी नजरों से गिरा रहा हूं मैं। अरे बाबू यार, जब भी जैन से लेके मार्च के बीच में अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, कभी भी कब जैन और मार्च के बीच में अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, जैसे यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन कब हुआ? 1 जनवरी 2021, तो 31 मार्च 2021 को हम ईयर एंड नहीं मानते हैं। अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन बिटवीन जैन टू मार्च हुआ है, अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कब हुआ बेटा? जैन से लेके मार्च के बीच में हुआ है, तो सेम ईयर में एंड करते नहीं है, नेक्स्ट ईयर एंड लेते हैं, मतलब 31 मार्च 2022, इसको हम क्या मानेंगे? ईयर एंड मानेंगे। वैष्णो बोला प्राउड टू बी अबडियन, क्या बात है, आई लव यू। चलिए तो फर्स्ट, और यहां से कितने मंथ्स कैलकुलेट करने हैं? 9 मंथ्स। तो डेट आएगा 31 दिसंबर 2022, ये आपका लास्ट डेट होगा किसका? एजीएम का। ये आपका किसका होगा बेटा? लास्ट डेट होगा किसका? एजीएम का। ये आपका लास्ट डेट होगा किसका दोस्तों? एजीएम का, करेक्ट है। देखो सुनो, नेक्स्ट ईयर हम लोग लेते हैं, सब सेम ईयर नहीं लेते हैं। अच्छा सोचो, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 31 दिसंबर 2020, देखो अच्छा मैंने जैन बोला है ना, तो जैन ही दिसंबर में, भले 31 दिसंबर रात के 12 बजे के पहले पहले आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की ना, तो भी ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2022 को, यहाँ पे 21 लिखा है, 31 मार्च 2022 को ईयर एंड हो जाएगा। ये एंड हो गया, और यहां से कितने महीने? 9 मंथ्स। मैंने क्या बोला? जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जैन से लेके मार्च में होता है तो सेम ईयर में एंड नहीं करना है, नेक्स्ट ईयर लेना है। तो सेम ईयर में एंड नहीं करना है, नेक्स्ट ईयर लेना है, करेक्ट है, समझ में आ गया? बात की सुनो, सो फर्स्ट एजीएम कितने दिन के अंदर होगी बताइए जल्दी से, फर्स्ट एजीएम कितने दिन के अंदर होगी? तो सर फर्स्ट एजीएम जो आपकी है वो होगी 9 मंथ्स फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब समझ में आ गया आपको, बहुत बढ़िया। देखो फाइनेंशियल ईयर अगर 1 जैन से लेकर 31 मार्च तक है तो सब्सिक्वेंट ईयर लेना है, तो कौन सा लेना है? सब्सिक्वेंट, नेक्स्ट ईयर लेना है, सेम ईयर में एंड करना नहीं है, बहुत बढ़िया। नो एक्सटेंशन बाय एनी अथॉरिटी, अरे आपसे अगर 9 महीने में नहीं हो रहा है, आपसे अगर 9 महीने में हो नहीं रहा है, तुमसे हो नहीं रहा है 9 मंथ्स के अंदर, वैसे करना कितने दिन के अंदर है? 9 महीने के अंदर। जो भी ए यार गंदे लोगो, बहुत गंदे लोगो तुम लोग, 9 महीने के अंदर करना है आपको। अगर 9 महीने में आपसे हो नहीं रहा है, है ना, आप में कैपेसिटी नहीं है करने की, मैं क्या करूँ, नहीं है तो नहीं है, अभी जो है तो है, तो 9 मंथ्स में अगर आपसे हो नहीं रहा है ना, तो क्या करेंगे मालूम? तो क्या करेंगे दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट करना, सुनो सुनो, अगर 9 मंथ्स में आपसे हो नहीं रहा ना, यहाँ एक्सटेंशन मांगने मत आना, ये फर्स्ट एजीएम है, पहला तो 9 महीने में करना ही है, पहला तो 9 महीने में करना ही है, ये आपका डिफॉल्ट है भैया, ये आपका डिफॉल्ट है। तो अगर 9 महीने में नहीं हो रहा है, कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। सर सुनो ना, 9 महीने में मीटिंग नहीं हुई तो पेनल्टी लग जाएगी ना, तो पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है ना, 10वें महीने में लो, 11वें महीने लो, लेकिन पेनल्टी लग जाएगी, फिर आप डिफॉल्ट में माना चाहोगे। ओके दोस्तों, सर सुनो ना, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ 25 जून 2020 को, ईयर एंड कब आएगा? 31 मार्च 2021, और वहां से 9 मंथ्स, मतलब 31 दिसंबर 2021, ये क्या आएगा आपका? ईयर एंड होगा। ये क्या होगा दोस्तों? आपका ईयर एंड होगा। गाइस एक बात बताइए, जिस साल में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, कौन से साल में? 2020 में, कैलेंडर ईयर में, क्या उस साल में कोई मीटिंग हुई? 2020 में कोई मीटिंग हुई? हमने तो मीटिंग कब ली? 2021 में मीटिंग ली है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि 9 मंथ्स फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर है, तो 2021 में मैंने मीटिंग ली। सर व्हाट अबाउट 2020? सर व्हाट अबाउट 2020? सर व्हाट अबाउट 2020? सर व्हाट अबाउट 2020? तो बोला है नो नीड टू होल्ड फर्स्ट मीटिंग इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब अगर जिस साल कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना, उस साल अगर आपने कोई मीटिंग नहीं भी ली ना, तो भी चलेगा, तो भी डिफॉल्ट माना नहीं जाएगा। सो नो नीड टू होल्ड व्हाट बेटा आपका, करेक्ट है, इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। चलिए दोस्तों, सब्सिक्वेंट एजीएम की अगर मैं बात करूं, सब्सिक्वेंट एजीएम मतलब पहली बार आपका हो चुका है,
पहली बार आपका हो चुका है। देखो ये चैप्टर को हमको लर्न करना है, तो आपका आज काम क्या रहेगा पता है, जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होता है, जैसे ये टॉपिक खत्म होगा आज, उसके बाद तुरंत एक बार आप रिवाइज करोगे समरी से, फिर उसके बाद आप एक बार ऑडियो सुनोगे उसका, क्या सुनोगे ऑडियो, और उसके बाद फिर से एक बार समरी से रिवाइज करोगे, खत्म। 3 बार रिवीजन, कच 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 कच, कंसेप्ट का खात्मा, द एंड कर देंगे कंसेप्ट को। फिर कल से अपन क्या स्टार्ट करेंगे, इसके केस स्टडीज, क्या स्टार्ट करेंगे, केस स्टडी। इस चैप्टर के अपन 20 केस स्टडी सॉल्व करेंगे, कितने बेटा, 20 केस स्टडीज अपन सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के, 20 केस स्टडीज। समझ में आ रहा है सर? आप बार बार लेफ्ट साइड में क्यों देखते हो? अरे लेफ्ट साइड में इधर स्टूडेंट बैठा है भैया, उसको देख रहा हूँ, है ना, उसको देख रहा हूँ, उसके पास देख रहा हूँ, तुमको बड़ी पंचायती, मैं लेफ्ट में देखूं, मैं राइट में देखूं, मैं सीधा देखूं, मैं नीचे देखूं, है? चलिए हाँ, मंडे से केस स्टडी मंडे को लूंगा, कल नहीं लूंगा, कल नहीं, कल कल तुम्हारी छुट्टी रहेगी। ओके, अब देखो सब्सिक्वेंट एजीएम, पहली बार करने के बाद आपको बार बार करने का मन करेगा, आई मीन टू से पहली बार मीटिंग करने के बाद आपको हर बार एक बार तो भी साल में करनी पड़ती है, कैलेंडर ईयर में एक बार तो भी आपको मीटिंग करनी ही पड़ेगी, एक बार तो भी आपको क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, मीटिंग करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट एजीएम। क्या कहेंगे यारो? सब्सिक्वेंट एजीएम, सब्सिक्वेंट एजीएम कहेंगे। तो सर सब्सिक्वेंट एजीएम कितने दिन के अंदर लेनी है? तो भैया आपको अगेन वंस इन अ कैलेंडर ईयर, वंस इन अ कैलेंडर ईयर, और सब्सिक्वेंट एजीएम कितने दिन के अंदर होनी चाहिए? 6 months फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 6 months फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 6 months फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 6 months फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ व्हाट दोस्तों? फाइनेंशियल ईयर। हाँ जी, ये प्रश्न बोल रहा है, यही रीजन है सर कि आप भाभी आपको मुंह नहीं लगती, ये रीजन की वजह से, ऐसी हरकतों की वजह से, शट अप, मुंह नहीं लगती बोलती है, ठीक है। चलिए, सो क्या बोला गया है, सब्सिक्वेंट एजीएम कितने दिन के अंदर होनी चाहिए बेटा? 6 months फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, यहां पे एक्सटेंशन मिल सकता है अगर आपसे 6 महीने में? देखो अभी सब्सिक्वेंट एजीएम की मैं बात कर रहा हूं, समझो सब्सिक्वेंट एजीएम, मुझे बताइए 2020 और 2021 इस साल की, 20 और 21 फाइनेंशियल ईयर की सब्सिक्वेंट एजीएम का लास्ट डेट क्या आएगा? 2021 का लास्ट डेट कब आएगा सब्सिक्वेंट एजीएम का? 2021 का लास्ट डेट कब आएगा बताइए? हाँ, लास्ट डेट कब आएगा टेल मी गाइस, लास्ट डेट कब आएगा दोस्तों, बताइए जल्दी से, 2021 की। सर नीचे पैंट पहनाएगा, तेरे को क्या करना है, नीचे क्या पहना मैंने, ऊपर जितना देख रहा उतना देखना, है नीचे पैंट दिख नहीं रही क्या? पैंट ये देख, पैंट ही तो है, ये देख, है ना, बस। सो देखो यार, इसका ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2021। यहां से कितने मंथ्स कैलकुलेट करने हैं? 6 months, तो 6 months होता है बेटा 30th September 2021। कितना हो जाएगा बेटा बोलो जल्दी से? 30th September 2021। गाइस यार, अगर तुमसे नहीं हो रहा है, अरे मुन्ना अगर तुमसे नहीं हो रहा है सुनना अच्छे से, कॉन्सेंट्रेट करना, अगर तुमसे नहीं हो रहा है दोस्तों सुनना अच्छे से, अगर तुमसे नहीं हो रहा है 3 months का एक्सटेंशन मिल जाएगा। कितने महीने का? 3 महीने का यहां पे आपको एक्सटेंशन दे दिया जाएगा। खुश रहो, आबाद रहो, खुश रहो, आबाद रहो, 3 months का क्या मिल जाएगा? 3 months का एक्सटेंशन मिल जाएगा, करेक्ट? यहां बात सुनो, 3 months का क्या मिलेगा आपको एक्सटेंशन, लेकिन सफिशियंट रीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सफिशियंट रीजन। अब ये सफिशियंट रीजन क्या हो सकता है? अगर आपका रजिस्टर ऑफिस ही ऑफ सीज कर लिया गया, रजिस्टर ऑफिस जब्त कर लिया गया, ये एक जेन्युइन रीजन है एक्सटेंशन मिल सकता है। कोविड आ गया, ये एक जेन्युइन रीजन है एक्सटेंशन मिल सकता है, एक्सटेंशन मिल सकता है। सर पुलिस वालों ने डॉक्यूमेंट ही सीज कर लिए, पुलिस वालों ने डॉक्यूमेंट ही सीज कर लिए, ये एक जेन्युइन रीजन हो सकता है। सर अर्थक्वेक आ गया, ये एक जेन्युइन रीजन हो सकता है। सर सुनो ना, सर सुनो ना, ऑडिट नहीं हुआ हमारा, सर ऑडिट नहीं हुआ इसलिए एक्सटेंशन दे दो, सर ऑडिट नहीं हुआ एक्सटेंशन दे दो, हट बुड़वक, निकल बुड़वक, पा इल्ले भैया इल्ले, नहीं नहीं मिलेगा। एक्सटेंशन के लिए स्पेशल रीजन होना चाहिए, ठीक है। सो ऑडिट अगर नहीं हुआ, ये आपकी गलती है, इसके लिए कोई भी एक्सटेंशन मिलने वाला आपको नहीं है, इसके लिए कोई भी एक्सटेंशन मिलने वाला नहीं है, करेक्ट है। ओके बड़ी, ओके बड़ी। सो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है,
नेचुरल कैलामिटीज हो सकती है, रजिस्टर ऑफिस लॉक्ड है, बुक सीज कर लिया गया, गैप बिटवीन टू एजीएम शल नॉट एक्सीड 15 महीने, द गैप बिटवीन टू एजीएम शल नॉट एक्सीड 15 मंथ्स। जो जो गैप है ना आपका, दो एजीएम के बीच का जो गैप है ना, वो 15 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दो एजीएम के बीच का जो गैप है ना, इट शल नॉट एक्सीड 15 मंथ्स, 15 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। करेक्ट है ना, 15 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो गैप बिटवीन टू एजीएम शल नॉट बी। यार एक समझ में नहीं आता तुमको, लाइक करने में परेशानी क्या, मजा नहीं आता क्या लेक्चर में? इतना मेहनत से आदमी पढ़ाता है, लाइक देखो आधे भी लाइक नहीं, गलत बात है। सर ऑडियो कहाँ है? ऑडियो मिल जाएगा आपको, ऑडियो मिल जाएगा, मिल जाएगा, कह रहे हैं हम आपको, ऑडियो मिल जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन ना लो, भरोसा रखिए। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम के ग्रुप में भेज दूंगा, इंस्टा के लिंक पे, बायो में भेज, बायो में डाल दूंगा। चलिए अब देखो यार, एजीएम कौन से दिन में होनी चाहिए, कौन से दिन में आप एनुअल जनरल मीटिंग लोगे, डे कौन सा होना चाहिए? सुनो सर, एक्सटेंशन पीरियड खत्म होने के बाद में मीटिंग ली है तो मीटिंग तो वैलिड ही होगी, लेकिन उसमें पेनल्टी लगेगी। एक बात समझो, पप्पा ने बोला था 10 बजे के अंदर, 10 बजे के अंदर घर पे आना है, आप 12 बजे आए, घर में ले लेंगे लेकिन थप्पड़ मिलेगी, छापड़ पे झापड़ मारेंगे पापा, हाँ या ना? वैसे यहाँ पे, वैसे यहाँ पे क्या है कि अगर आप मीटिंग टाइम पे नहीं ले पाते हो, तो जब मीटिंग लोगे तो मीटिंग तो वैलिड होगी, लेकिन फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगा। क्या लगेगा? फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगा। अब मैं बात करूं डे की, मैं बात करूं कौन से दिन पे होनी चाहिए मीटिंग, कौन से दिन पे क्या हो सकती है दोस्तों, मीटिंग हो सकती है, प्लीज फोकस करना, आराम से शांति से सुनना, कोई गड़बड़ नहीं अपने को, कोई गड़बड़ नहीं है अपने को, शांति से सुनना, कौन से दिन पे मीटिंग हो सकती है ना। डे की अगर मैं बात करूं तो एनी डे, डे की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे, एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे, सुनना अच्छे से, कोई भी दिन हो सकता है, एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे मतलब क्या बेटा? तो एक तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, और हमारा बर्थडे, बापू का बर्थडे, तेरे भाई का बर्थडे 2 अक्टूबर, 3 दिन। सो एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे, एनी डे एक्सेप्ट व्हाट बेटा? आपका नेशनल हॉलीडे, कोई भी दिन पे ले सकते हो नेशनल हॉलीडे छोड़ के। सर दिवाली पे ले लूं, ले ले सर, ईद पे ले लूं, ले ले सर, क्रिसमस पे ले लूं, ले ले सर, महावीर जयंती पे ले लूं, ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, 3 दिन छोड़ बाकी कहीं पे भी ले ले। अब क्या हुआ, सुनो अच्छे से, कॉन्सेंट्रेट करना, क्या हुआ बात समझना अच्छे से, प्रॉब्लम क्या है समझना। मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी एक दिन आए मेरे से मुलाकात की, बोले शुभम अब्बट सर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुमूल्य है। मैंने बोला थैंक यू सर, सर शर्मिंदा कर रहे हो, अरे मेरे को शर्म आ रही है सर, मेरे को शर्म आ रही है। बोले आपका बहुमूल्य कॉन्ट्रीब्यूशन है, आज से मैं आपके बर्थडे को, आपके जन्म दिवस को नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर करता हूं। मित्रों पूरा भारत इस दिन बंद रहेगा, क्योंकि इस दिन श्रीमान श्री 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 108 श्री माननीय वंदनीय पूजनीय श्रीमान श्री श्री जी शुभम अब्बट जी का बर्थडे है। ओ माय गॉड। तो अगर कोई ऐसा दिन है जिसको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया नेशनल हॉलीडे, सो ये दिन छोड़ के कोई दिन को अगर गवर्नमेंट नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर करती है ना, तो उस दिन भी आप मीटिंग नहीं ले सकते, उस दिन भी आप मीटिंग नहीं ले सकते, उस दिन भी आप मीटिंग नहीं ले सकते। करेक्ट है। सो एनी डे एक्सेप्ट व्हाट, कम ऑन एवरीबॉडी, एनी डे एक्सेप्ट व्हाट नेशनल हॉलीडे, एनी डे एक्सेप्ट व्हाट बेटा आपका नेशनल हॉलीडे। तो नेशनल हॉलीडे मतलब समझते हो, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये तीन चीजें छोड़ के आप कभी भी क्या कर सकते हो, मीटिंग ले सकते हो। और अगर कोई दिन दोस्तों कॉन्सेंट्रेट करना, अगर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये नेशनल हॉलीडे है, तो उस दिन भी आप मीटिंग नहीं ले सकते, उस दिन भी आप मीटिंग नहीं ले सकते। एक और चीज बताता हूं, अब सुनो, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि 7 दिसंबर, 7 दिसंबर जो है ना, 7 दिसंबर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, 7 दिसंबर को कभी बेटा, 7 दिसंबर को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर करेंगे। लेकिन उसके पहले ही एक कंपनी है जिसका नाम है मोदी लिमिटेड। सर संडे को ले ले, अरे बिल्कुल ले ले, सौम्य कैसे क्वेश्चन है, और बिल्कुल, मोदी लिमिटेड एक कंपनी है, मोदी लिमिटेड, इस कंपनी ने ऑलरेडी मीटिंग की नोटिस दे दी है और मीटिंग रख ली है 7 दिसंबर को, ऑलरेडी 7 दिसंबर को उन्होंने मीटिंग रख ली है। मतलब मोदी जी के अनाउंस करने के पहले ही उन्होंने मीटिंग रख ली है।
तो क्या मुझे बताइए उस साल के लिए क्या 7 दिसंबर को मीटिंग हो सकती है, सिर्फ मोदी लिमिटेड के लिए, सिर्फ मोदी लिमिटेड के लिए, सिर्फ मोदी लिमिटेड के लिए। हाँ जी हाँ जी करेक्ट है। तो उस साल के लिए आप वो कंपनियां, वो कंपनी, सिर्फ वो कंपनी जिन्होंने तैयारी कर ली है, जिन कंपनी ने प्रोसीडिंग कर ली है, वो कंपनी बेटा क्या कर सकती है उस, मतलब वो उस दिन मीटिंग ले सकती है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने क्या कर दिया है, ऑलरेडी उन्होंने उस दिन मीटिंग ले ली है। तो ये तो हो गया बेटा आपका, किसकी बात हो गई, आपकी बात हो गई बेटा इसकी, डे की। अब डे के बाद में टाइम की बात करते हैं, चलो डे के बाद में टाइम की बात करते हैं। तो मीटिंग स्टार्ट करने का टाइम दिया है, एंडिंग टाइम नहीं दिया, एंड कभी भी करो। तो स्टार्ट कभी होगी, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, वर्किंग आवर्स नहीं बोला है, बिजनेस आवर्स। और बिजनेस आवर्स मतलब 9 से 6 बजे तक, 9 बजे से लेकर 6 बजे तक, 9 to 6। सर फेस्टिवल की भी तो हॉलीडे होती है बेटा, खुशी वर्मा हॉलीडे होती है, लेकिन नेशनल हॉलीडे नहीं होती है, वो सिर्फ हॉलीडे होती है, नेशनल हॉलीडे नहीं होती है, समझी क्या, ढोकली है ना। सो क्या बोला, टाइम स्टार्ट बिजनेस आवर्स, बिजनेस आवर्स करेक्ट है, बिजनेस आवर्स मतलब 9 से। सर SS1 के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, SS1 नहीं रहा, SS2, SS1 बोर्ड मीटिंग का, SS2 है, मैं उसमें कवर करवा दूंगा, निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए, जो जो पॉइंट SS2 के मैं इसमें कवर करवा दूंगा। तो बिजनेस क्या है, 9 से 6, 9 to 6 ये स्टार्टिंग है। सर हमने 5:50 को मीटिंग ली, 5:50 PM को मीटिंग ली, रात के 1 बजे तक मीटिंग चली, करेक्ट है, 1 बजे तक मीटिंग चली, चलेगा, चल जाएगा बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो टाइम पता चल गया, टाइम पता चल गया जी, बिल्कुल पता चल गया टाइम जी, बिल्कुल पता चल गया हमको, टाइम पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। सो वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। डे बोला एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे और अदर डे स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज नेशनल हॉलीडे, लेकिन कंपनी ऑलरेडी सेंड नोटिसेस ऑफ द कंपनी, देन सच डे डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज नेशनल हॉलीडे ड्यूरिंग बिजनेस आवर। अब हम बात करते हैं प्लेस की, प्लेस की बात करते दोस्तों, प्लेस की बात कर। सर मेन नोट से नहीं पढ़े बेटा, मेन नोट से अगर आपने ऑलरेडी एक बार पढ़ लिया तो अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं पढ़ा तो पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कंसंट्रेट करना। चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया है, लाइक करते रहिए, थम्स अप देते रहिए, प्यार देते रहिए बेटा, प्यार देते रहिए बेटा, थम्स अप करते रहिए, लाइक करते रहिए। अब बात करते हैं हम प्लेस की। तो प्लेस की अगर मैं बात करूं तो प्लेस के केस में 3 अलग-अलग टाइप है, कहां पे कौन से प्लेस में मीटिंग होगी। तो बोले प्लेस रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी, रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो रजिस्टर ऑफिस है, कंपनी का क्या है, जो रजिस्टर ऑफिस है, रजिस्टर ऑफिस समझते हो क्या, क्या बोला गया है, रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी, समझ में आ रहा है क्या, रजिस्टर ऑफिस मतलब जिस, देखो आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया उसमें आपका रजिस्टर ऑफिस क्लॉज था तो आपने एड्रेस दिया होगा, तो उस रजिस्टर ऑफिस पे आपको मीटिंग लेनी है, कहां पे मीटिंग लेनी है, रजिस्टर ऑफिस में आपको मीटिंग लेनी है, या फिर कोई और प्लेस, कोई और प्लेस विद इन सिटी, सेम टाउन और सेम विलेज, जो भी आप सिटी में, जैसे मैं, मेरी कंपनी पुणे में है, मेरी कंपनी कहाँ है बेटा, पुणे में, तो मैं पुणे में कहीं पे भी मीटिंग ले सकता हूँ, अगर मेरी कंपनी पुणे में है यारो तो मैं पुणे में कहीं पे भी मीटिंग ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी, अननेसेसरी कमेंट ना करिए बेटा, अननेसेसरी कमेंट ना करिए, टू द पॉइंट जितना पूछो उतना ही आंसर दीजिए, क्योंकि कमेंट में रह जाओगे रिविजन पे फोकस नहीं कर पाओगे, यू नो वॉट, जो है ना उसमें उसमें उसको एंजॉय करना सीखो, जो पढ़ रहे हो ना उसको अच्छे से करना सीखो, है ना। प्रॉब्लम क्या, मैं पढ़ा कुछ रहा हूँ तुम कुछ और कुछ पूछ रहे हो, कोई सेंस नहीं बनता है, कोई सेंस नहीं बनता है, पहले इस पे पूछो, एंड में अपन वो बात करेंगे, एंड में अपन वो बात करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सो सिटी, टाउन और विलेज वेयर रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड, वेयर व्हाट बेटा, आपका रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड, करेक्ट है। बात की सुनो सर, अगर अनलिस्टेड कंपनी है, सुनना, अनलिस्टेड कंपनी है, कोई अनलिस्टेड कंपनी है तो वो कहीं पे भी ले सकती है, एनी प्लेस इन इंडिया, एनी प्लेस इन इंडिया, लेकिन परमिशन लगेगी ऑल मेंबर की, कंसेंट लगेगी ऑल मेंबर की, कंसेंट लगेगी ऑल मेंबर की, सारे मेंबर का कंसेंट लेके आप अनलिस्टेड कंपनी की मीटिंग कहीं पे भी ले सकते हो इंडिया में। सर कंसेंट नहीं मिली तो ऊपर वाला पॉइंट, कंसेंट नहीं मिली तो रजिस्टर ऑफिस, सेम सिटी सेम विलेज, ठीक है। सो अनलिस्टेड कंपनी है दोस्तों, कंसेंट्रेट करना, अनलिस्टेड कंपनी है तो कहां पे, विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ ऑल मेंबर, और अप्रूवल क्या ले सकते हो, राइटिंग में भी ले सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली भी ले सकते हो, एनी प्लेस इन इंडिया, कोई भी प्लेस पे मीटिंग ले सकते हो विद द अप्रूवल, कोई भी प्लेस पे ले सकते हो विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ मेंबर,
बहुत बढ़िया सर, एजीएम ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सर, एजीएम ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, एजीएम ऑफ गवर्नमेंट कंपनी की अगर हम बात करें तो एनी प्लेस विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी प्लेस विद द अप्रूवल ऑफ व्हाट बेटा, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से आप कहीं पे भी ले सकते हो। बिजनेस कौन सा होगा? ऑर्डिनरी एज वेल एज स्पेशल बिजनेस, ऑर्डिनरी एज वेल एज स्पेशल बिजनेस। अब मैं आपको सेक्शन 97 और 98 दोनों साथ में पढ़ा रहा हूं, अभी कोई डाउट मत पूछो, अभी कोई डाउट मत पूछो, अभी अभी मेरी बात सुनते रहो ताकि जल्दी ये चैप्टर खत्म होगा, एंड में डाउट सेशन करेंगे, एंड में आपके डाउट सेशन करेंगे, एंड में आपके डाउट सेशन करेंगे। 96 सेक्शन हमने खत्म कर दिया है, 96 वाला सेक्शन हमने खत्म कर दिया बेटा, है ना। क्या है 96 वाला सेक्शन बताओ, बोलो बोलो। 96 वाला सेक्शन अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, एक बार रिवीजन में मैं फिर से रिवीजन करवाता हूं, एक बार रिवीजन से भी सर भूल जाएंगे फिर कोई दिक्कत नहीं है, लिख के रखो भूल जाओगे तो, भूल जाओगे तो एक बुक में लिख के रखो, साइड में लिख के रखो भूल जाओगे तो। सौरभ बोल रहा है डैश डैश एकेडमी से कौन आया है डिसलाइक ठोकने, अरे यार किसी एकेडमी, किसी को बदनाम नहीं करना है, किसी को कुछ नहीं बोलना, एक बात समझो, किसी को कुछ नहीं बोलना। मुझे एक बात बोलो, चलो मैं एक चीज बताऊं आपको, अभी जो भी है मैं एक चीज बताता हूँ आपको, मैंने किसी फैकल्टी के बारे में बुराई कर दी उसमें तुम्हारा क्या फायदा? कुछ नहीं। मैंने किसी फैकल्टी की तारीफ कर दी उसमें तुम्हारा क्या फायदा? कुछ भी नहीं। किसी फैकल्टी ने मेरी बुराई कर दी उसमें तुम्हारा क्या फायदा या तुम्हारा क्या नुकसान? कुछ नहीं। आज हमारा मेन पर्पस, देखो स्टूडेंट पॉइंट से सोचो, हम प्रॉब्लम क्या होती है मालूम? प्रॉब्लम क्या होती है? बहुत सारे स्टूडेंट है जो हमें पसंद करते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो हमें पसंद नहीं भी करते होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे टीचर्स होंगे जो हमें पसंद नहीं करते होंगे। अगर हम उन गॉसिप्स में स्टूडेंट इन्वॉल्व हो जाएं, और इस फैकल्टी ने उनके बारे में क्या बोल दिया, इसमें अपना टाइम वेस्ट होता है, स्टूडेंट का टाइम वेस्ट होता है, करेक्ट है? तो देखो हम स्टूडेंट है, हम स्टूडेंट हैं, समझ में आ रहा है? तो बताइए सुनो, हम स्टूडेंट्स हैं और हमें सिर्फ पढ़ाई से मतलब होनी चाहिए। कौन सा बंदा किसके बारे में बोलता है, क्या बोलता है, अपने को क्या करना है, अपने को क्या करना है? कुछ नहीं करना है, करेक्ट है ना। और मैंने हमेशा तुमको प्यार मोहब्बत सिखाई है, मैंने कभी तुमको ऐसा हेट करना सिखाया क्या कि जाओ इस फैकल्टी के बारे में बुराई करो, जाओ इसके कमेंट में ये डाल दो? अरे क्या करना है भाई, क्या करना है अपने को? आपका टाइम क्रूशियल है, देखो इसमें अगर आपका 10 मिनट भी टाइम वेस्ट होता है ना तो आपका नुकसान है, मेरा नुकसान है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप 10 मिनट टाइम वेस्ट करो किसी और की बुराई करने में। मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे उस 10 मिनट में 2 कंसेप्ट पढ़े, ना कि किसी और की बुराई करके आए, ठीक है। सो गाइस गाइस लेट्स स्टार्ट एक बार फिर से, शुभम अग्रवाल मैं बुक्का मारूंगा तेरे को ढोकले, चलिए एक बार फिर से, एक बार फिर से 96। देखो अभी ये 10 मिनट जो मैंने बात की ना, ये भी हमारा टाइम वेस्ट है, इस 5 मिनट में शायद से हम एक कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लेते एकदम आराम से। अरे तुम मेरे स्टूडेंट हो यार, हमने सिर्फ प्यार करना सिखाया, हमने सिर्फ हिम्मत दी आपको, हमने सिर्फ मेहनत करना सिखाया आपको, हेट करना नहीं सिखाया। चलिए 96, कम ऑन एवरीबॉडी, एनुअल जनरल मीटिंग, एकदम आराम से, एकदम ऐसा ऐसा अंदर से कंसेप्ट बाहर निकलनी चाहिए, फ्लो में बाहर निकलनी चाहिए। 96 की अगर हम बात करें, जनरल मीटिंग 96 की अगर हम बात करें दोस्तों, जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग, फर्स्ट एजीएम कितने दिन के अंदर होगी? 9 मंथ्स फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर से 9 महीने। सर फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? तो 31 मार्च को। सर अगर कंपनी जनवरी से लेकर मार्च में इनकॉर्पोरेट हुई है तो तुरंत फाइनेंशियल ईयर एंड मत करना, उसका अगला साल लेना, उससे 9 महीने। सर फर्स्ट एजीएम के अंदर एक्सटेंशन मिलेगा? आंसर इज नो, फर्स्ट एजीएम में कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। सर क्या फर्स्ट एजीएम, क्या फर्स्ट कैलेंडर ईयर में लेना जरूरी है? आंसर इज नो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सर व्हाट अबाउट द सब्सिक्वेंट एजीएम? सर व्हाट अबाउट द सब्सिक्वेंट एजीएम? तो 6 मंथ्स के अंदर आपको क्या मिल जाएगा? सब्सिक्वेंट एजीएम कब लेनी है आपको? विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 6 महीने। एक्सटेंशन मिल सकता है अगर जेन्युइन रीजन है, स्पेशल रीजन है, 3 मंथ्स का। एंड द गैप बिटवीन टू एजीएम शैल नॉट एक्सीड, द गैप बिटवीन टू एजीएम शैल नॉट एक्सीड व्हाट बेटा, आपका 15 महीने, है ना। अच्छा ऑडिट नहीं हुआ आपके बुक्स ऑफ अकाउंट का, ऑडिट नहीं हुआ, क्या ये जेन्युइन रीजन है? इसके ऊपर आपको एक्सटेंशन मिलेगा? आंसर इज नो, इसके ऊपर आपको एक्सटेंशन मिलने वाला नहीं है, कोई भी एक्सटेंशन आपको मिलने वाला नहीं है। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है। सर ये बताइए, सर सर ये बताइए, सर ये बताइए कि जो आप जनरल एनुअल जनरल मीटिंग की बात कर रहे हो उसके अंदर कौन से बिजनेस होते हैं? तो उसके अंदर ऑर्डिनरी एज वेल एज स्पेशल बिजनेस दोनों होते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ऑर्डिनरी एज वेल एज स्पेशल बिजनेस दोनों होते हैं। सर ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है? तो 4 टाइप के बिजनेस जो है ना वो ऑर्डिनरी बिजनेस है। कौन से 4 टाइप के बिजनेस है?
कौन से चार टाइप के बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस है? तो पहला आपका अडॉप्शन ऑफ अकाउंट, पहला कौन सा आपका बेटा अडॉप्शन ऑफ अकाउंट, दूसरा कौन सा है बेटा आपका डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, तीसरा कौन सा है बेटा आपका अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, एंड चौथा कौन सा है बेटा? चौथा कौन सा है बेटा आपका? फोर्थ वन कौन सा है बेटा आपका? अडॉप्शन ऑफ अकाउंट, डिक्लेरेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। इसके अलावा जो भी बिजनेस है वो स्पेशल बिजनेस है, एजीएम में दोनों हो सकते हैं। सुपर बेटा। सर अब बताइए डे डेट टाइम प्लेस, डे एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे, कम ऑन एवरीबॉडी, एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे, ठीक है, एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे, बहुत बढ़िया। सर अगर कोई नेशनल हॉलीडे तो तीन है अभी तक, है ना, फर्स्ट मेरे को डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तीन ही दिया हुआ एसएस में, मैंने देखा तीन ही है। सर अगर एजीएम में अगर कोई दिन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया नेशनल हॉलीडे तो उस दिन भी नहीं होगा? सर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया लेकिन उसके पहले ही हमने मीटिंग का नोटिस भेज दिया था, तो आप ले सकते हो उस साल के लिए, अगले साल मत लेना, अगले साल मत लेना। सर डे के बाद में टाइम, बिजनेस मीटिंग स्टार्ट करने का टाइम दिया है, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, ड्यूरिंग व्हाट, बिजनेस आवर्स। तो बिजनेस आवर्स में आपको मीटिंग स्टार्ट करनी, एंड कभी भी करो, कोई तकलीफ नहीं है। सर ठीक है, डे हो गया, टाइम हो गया। सर प्लेस, रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी कहाँ पे होगा? प्लेस रजिस्टर ऑफिस ऑफ दी कंपनी कहाँ पे होगा बोलो? रजिस्टर ऑफिस ऑफ दी कंपनी। सर ठीक है, वेरी गुड बेटा, रजिस्टर ऑफिस ऑफ दी कंपनी होगा, हाँ सर। सर अनलिस्टेड कंपनी है तो एनी प्लेस इन इंडिया विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, विद द अप्रूवल ऑफ ऑल मेंबर्स। सर गवर्नमेंट कंपनी है, सर गवर्नमेंट कंपनी अगर है तो कहाँ पे हो सकता है बेटा? गवर्नमेंट एनी प्लेस विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए बहुत सुपर यार, बहुत उम्दा। अब मैं दो चीजें आपको बता रहा हूँ, सुनना आराम से, कॉन्सेंट्रेट करना। सेक्शन 97 और 98, सेक्शन 97 है एजीएम बाय एनसीएलटी और सेक्शन 98 है ईजीएम बाय एनसीएलटी। सेक्शन 97 क्या है दोस्तों? सेक्शन 97 क्या है दोस्तों? एजीएम बाय एनसीएलटी। अगर एजीएम आपसे नहीं हो पा रही है, एनुअल जनरल मीटिंग आपसे नहीं हो पा रही है, करेक्ट है, या सेक्शन 98 क्या है ईजीएम बाय एनसीएलटी, या आपसे ईजीएम नहीं हो पा रही है, तो आप एनसीएलटी के पास जाओगे कि साहब हमसे एजीएम और ईजीएम हो नहीं पा रही है, हम हाथ जोड़ के आपसे विनंती करते हैं, हमसे ना एजीएम हो रही है ना ईजीएम हो रही है, हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें कुछ करिए, प्लीज कुछ करिए। तो अगर आपका सुनना अच्छे से, एजीएम बाय एनसीएलटी अगर एजीएम नहीं होता है या ईजीएम नहीं होता है तो क्या करेंगे? तो एजीएम की अगर हम बात करें दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट करना, एनी डिफॉल्ट इन मेड इन होल्डिंग एजीएम, अगर एनुअल जनरल मीटिंग में लेना पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आप एप्लीकेशन दीजिए, या तो मेंबर, या तो एप्लीकेशन कौन दे सकता है? कोई मेंबर दे सकता है, किसको? ट्रिब्यूनल को, टू कॉल द मीटिंग। मेंबर दे सकता है दोस्तों, कौन सा मेंबर क्या करेगा? एप्लीकेशन देगा ट्रिब्यूनल को, एनसीएलटी को। मीटिंग हो नहीं पा रही है यार, मीटिंग हो ही नहीं पा रही है, तो मेंबर एप्लीकेशन देगा ट्रिब्यूनल को, हे ट्रिब्यूनल, हे एनसीएलटी, हमारी मीटिंग नहीं हो पा रही है, प्लीज आप करवा के दे दो ना मीटिंग, प्लीज आप करवा के दे दोगे ना मीटिंग, प्लीज आप करवा दो। तो ट्रिब्यूनल क्या देगा? ट्रिब्यूनल डायरेक्शन देगा कि भैया मीटिंग ले लीजिए, और डायरेक्शन इतना बढ़िया है कि भैया इवन अ सिंगल मेंबर बाय पर्सन और प्रॉक्सी मे होल्ड वैलिड मीटिंग, मतलब एनसीएलटी की जो मीटिंग है उसमें अगर एक भी इंसान आया ना, एनसीएलटी ने बोल दिया, अगर एक भी व्यक्ति आता है, एक भी व्यक्ति आता है बाय पर्सन, खुद और प्रॉक्सी, या तो खुद आता है या उसका प्रॉक्सी आता है, तो भी मीटिंग वैलिड होगी। क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली, कैन अ सिंगल पर्सन होल्ड वैलिड मीटिंग, तो इसमें ये आंसर लिखना है। ऐसे तो नहीं कर सकते, नॉर्मली तो नहीं कर सकते, लेकिन एजीएम कॉल्ड बाय एनसीएलटी, एजीएम कॉल्ड बाय एनसीएलटी, एक मेंबर भी होल्ड कर सकता है, एक मेंबर भी होल्ड कर सकता है, करेक्ट है। सो ट्रिब्यूनल गिव में एनसिलरी डायरेक्शन एज मे बी नेसेसरी, डायरेक्शन इंक्लूड एनी सिंगल मेंबर बाय पर्सन और प्रॉक्सी में होल्ड वैलिड मीटिंग, एजीएम होल्ड बाय एनसीएलटी शैल डीम टू बी एजीएम ऑफ कंपनी, जो एनसीएलटी ने एजीएम होल्ड किए ना वो कंपनी की एजीएम मानेंगे, वो कंपनी क्या मानेंगे? एजीएम। सेम प्रोविजन नाइनटी एट ईजीएम को लेके है, सेम प्रोविजन किसको लेके है बेटा? सेम टू सेम प्रोविजन आपको ईजीएम को लेके। वॉट इज ईजीएम? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अगर आपसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, सर एक डाउट था, मेंबर का अप्रूवल फॉरेन में भी मीटिंग हो? नहीं, प्रतीक नहीं ले सकते बेटा, मेंबर एनी प्लेस इन इंडिया बोला है, जब इंडिया बोला है तो इंडिया में होनी चाहिए प्रतीक। ईजीएम तो अगर इम्प्रैक्टिकल है ईजीएम लेना, तो मेंबर एप्लीकेशन दे देगा हैविंग वोटिंग पावर किसको, या फिर डायरेक्टर एप्लीकेशन दे देगा किसको? ट्रिब्यूनल को। तो ट्रिब्यूनल में स्यू मोटो कॉल ईजीएम, क्या करेगा? ईजीएम कॉल करेगा। ट्रिब्यूनल क्या करेगा? स्यू मोटो, स्यू मोटो मतलब खुद होके ईजीएम कॉल कर देगा। तो ट्रिब्यूनल में कॉल वॉट बेटा आपका? ईजीएम। ट्रिब्यूनल में गिव सच एनसीलरी डायरेक्शन एज मे बी नेसेसरी, और एनसीलरी मतलब सपोर्टिव डायरेक्शन दे सकता है। डायरेक्शन इंक्लूड वॉट? एनी सिंगल मेंबर बाय पर्सन और प्रॉक्सी,
में होल्ड दी वैलिड मीटिंग। तो 97 और 98 क्या है समझो, 97 और 98 जो है ना, 97 और जो 98 है वो एक्चुअली देखा जाए तो मोर एंड लेस सेम ही है, बस 97 में क्या बोला है एजीएम बाय एनसीएलटी बोला है और 98 में क्या बोला है ईजीएम बाय एनसीएलटी बोला है। 97 में क्या बोला है एजीएम बाय एनसीएलटी और 98 में क्या बोला है ईजीएम बाय एनसीएलटी। बहुत बढ़िया। अगर डिफॉल्ट करोगे तो भैया पेनल्टी लग जाएगी, डिफॉल्ट करोगे कितना लग जाएगा पेनल्टी, 1 लाख रुपए तक पेनल्टी लग जाएगी, और कंटिन्यू डिफॉल्ट है तो 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी लग जाएगी, 5,000 रुपए के हिसाब से पेनल्टी लग जाएगी।